राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को जान से मारने की धमकी भरे पत्र के मामले को लेकर आज भाजपा कार्यकर्ताओं और किरोड़ीलाल मीणा समर्थकों ने ज्ञापन दिए और इन ज्ञापनों के माध्यम से धमकी भरा पत्र भेजने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने और राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को सुरक्षा देने की मांग रखी गई। दौसा में आज जिला कलेक्ट्रेट पर भाजपा कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और उप जिला कलेक्टर संजय गोरा को मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन की वजह यह है कि कल एक कादर अली नाम का एक व्यक्ति था जिसने डॉक्टर साहब के दिल्ली स्थित आवास पर एक पत्र भेज करके उनको जैसे उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या की गई थी उसी के संदर्भ उसी की तरह डॉक्टर साहब को जान से मारने की धमकी दी गई है। इसको पूरे कार्यकर्ताओं में राजस्थान के कार्यकर्ताओं में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के कार्यकर्ताओं में रोष है इस चीज़ का कि डॉक्टर किरोड़ीलाल जी के लिए हमने पहले भी राजस्थान सरकार से सुरक्षा की मांग की थी लेकिन आज तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हमारी मांग है कि इसकी गिरफ्तारी करे जो व्यक्ति ने ये धमकी दी है उसकी और इसमें तुरंत रूप से जेड प्लस सुरक्षा सांसद साहब को दी जाए जिससे कि वो सुरक्षित रहे और गरीब दीनहीन मजदूरों की जो आवाज़ उठाते रहे इसलिए उनके हजारों दुश्मन हैं इसमें कोई शक नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि उनको 100% तुरंत रूप से और उनको सुरक्षा दी जाए जिससे कि वो सुरक्षित रहे और गरीबों की सेवा करते रहें।